बाहर ना लाइट, बाहर लाइट का बाहर। Hey guys, very good morning and welcome to my new vlog. कैसे आप सारे? I hope आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जस्ट अभी उठी हूँ और आज हम उठे हैं 10 बजे, बिकॉज रात को सोने का नाम ही ले रहा था कोई, मतलब बहुत लेट सोए थे। और ये आपको दिखाती हूँ, ये जो 3 नारियल पड़े हैं ना, इधर इधर देखो तीनों। पिकू ये देखो, आई लव यू। और बेइज्जती कर रही है तू, आई लव यू बोलो। तो बाहर आई थिंक किचन में आलू पूरी बन रही है। क्या बन रहा है बाहर? अगर तो चने बने ना, क्योंकि इस लड़के ने बोला था चने खाने हैं, ठीक है। अगर चने बने होंगे ना तो मेरे बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगी पीहू के सामने। तो मैंने कहा था आलू पूरी बनाओ, पर नहीं बनाई इन्होंने। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वापस, तो मैं देखती हूँ क्या है क्या नहीं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे ना शिवन्या बड़े प्यार से अरु को बोल रही थी कि मुझे पानी पीना है, और अरु उसको बहुत ही प्यार से पानी पिला रहा था। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना इन दोनों का, इन तीनों का बॉन्ड देखकर। इनफैक्ट क्या बना रहे हो? पूड़ी। परोंठे? पूड़ी। आज का कुकी है। किस किसने की ब्रेकफास्ट? यहाँ बन रही है पूड़ी और भैया बन रही है चाय, बन गई है चाय। इसमें बने आज काले चने, बजारी काले चने, सॉरी काबले चने, वाइट चने, मतलब सफ़ेद चने। यहाँ पे बना आलू गोभी और यहाँ पे है खाली डूंगा। यह है रूह अफ़ज़ा की बोतल और यह है पीहू। पीहू मैं थप्पड़ मारना कैसे करता रहता तू? ये बाहर बैठ के आज लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हाय नोनू, शिवन्या लुक हियर। अरु सिर पीछे करना, अरु 2 मिनट सिर पीछे करना। Say hi guys. क्या खा रहे हो आप? ये देखो कैसे खाते हैं, ये देखो ये खाओ। आप पूरी खा रहे हो? बोले पूरी खा रही हूँ। और यहाँ पे अरु खा रहा है, ये चाय और पूरी खाएगा। यहाँ पे दी कर रही है मेकअप, उसको मैं थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि किस तरह से करना है। और यहाँ पे शिवन्या सारे मेकअप ब्रशेस के साथ खेल रही है, पता नहीं कहाँ फेंक दिए इसने। उधर मम्मा बैठे हुए हैं, आधे गिरे हुए हैं। मम्मा तबीयत ठीक है? शी इज़ नॉट वेल। ये आरु इधर लेटा हुआ और इधर पीहू एज यूजुअल टीवी देख रहा है। तो गाइस 2 बज गए हैं अभी, 2 नहीं बजे, अभी 1:30 बजा है। अभी बस हम लोग खाना वाना खाएंगे थोड़ा, बहुत ज़्यादा मतलब आज तो लेट ही हो गया। 12 बजे के करीब मैं नहाई हूँ और शिवन्या आज मासी से नहाई है, बिकॉज उसको मासी के पास जाना था। मैं ही कह मुझे कहती मैंने नहीं नहाई करनी है आपसे, तो कही वो मासी से नहाई है आज और रेडी हो गई है। शिवन्या से हाय गाइस, कैसे हो आप? शाइनी बताओ, बोलो मैं नानी घर आई हूँ। ये नानी घर आई है और ये वापस जाने का नाम नहीं ले रही है, बिकॉज इसे जितनी बार बोला ना चलो घर में, कहती घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। तो पता नहीं अब कितने दिन, मैंने कहा चल ठीक है तू भी रह ले, छुट्टियां काट ले नानी के आगे। यस, इसमें मच्छर लगे। तो गाइस हम लोग खाना वाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। और शिवन्या ने यहाँ पे बच्चों के साथ इतनी शैतानी करती है। ये दोनों ना यहाँ पे कर्टन के पीछे छुप के बैठे हुए थे और ये प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे हमें ये दिख ही नहीं रहे हैं। तो मैंने ना दी को बोला एकदम से पर्दा खींच रहा ताकि हम इनका एक्सप्रेशन नोट कर सकें। और जैसे ही मतलब ये दोनों का फेस रिवील हुआ ना, दोनों ऐसे भाग गए, कहते रन, और एकदम से भाग गए। यार बच्चों की ना अपना ही खेल होता है, मतलब एक कमरा छोटा सा कमरे में ऐसे खेल रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए इन दोनों को। हाँ मामा लंच की तैयारी कर रही है। मामा क्या बना रहे हो? मेरी
गाइस इधर मेरी बन रही है। गाइस ये ना दीदी ने बनाई है मेरी, मतलब मुझे बहुत पसंद है। यहाँ धनिया नहीं अवेलेबल था बट आफ्टर दैट दीदी ने बनाई बिकॉज मुझे बहुत पसंद है और इसने स्पेशली हमारे लिए बनाई है। थैंक यू दी, मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इतनी खाई है ना, मतलब हर बार इसको फ़ोन करना मैंने दी को और मुझे पूछना मैंने कि कैसी रेसिपी बनती है। अमेजिंग, ये मुझे कोई दो प्लेट देना मैं वो भी खा लूँगी और ये टक 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 जानबूझ के करेगी। बहुत अमेजिंग बनी है गाइस, अगर हो सकेगा ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। बहुत अमेजिंग बनती है और बहुत इजी है, मतलब एक तो एकदम से बन जाती है और इतनी डिलीशियस होती है ना, एक बार ट्राई ज़रूर करना हमारे कहने पर। और हेल्दी भी बहुत है, सेहत के लिए, पापा कह रहे हैं सेहत के लिए भी बहुत अच्छी, तो यू मस्ट ट्राई फॉर मी ऑल्सो। चल फिर एक काम कर, एक स्पून शक्कर डालना उसमें और एक स्पून डालना सौंफ, तो एक ही कटोरी में मिक्स कर देना और एक स्पून ले आना सौंफ। अब अगर किसी की आईज खुली तो फिर मम्मा से मानू होगा। सो जाओ, बिल्कुल कोई आईज नहीं खोलेगा। मैंने भी आईज बंद कर ली। सो रही है, गोवा आई है। ए, मैंने कहा आईज नहीं खोलनी, आईज नहीं खोलनी है। पिकू ने बोले करो भी आईज बंद की हुए हैं। तो गाइस अभी ना बहुत ज्यादा मन कर रहा है पनीर की भुर्जी खाने का, जो कि दूध फटा के पनीर बनाया जाता है ना वो वाला, और तरी वाली भुर्जी मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत टाइम से खाई नहीं थी तो अभी सब पूछ रहे थे कि क्या बनाना। मैंने कहा आज मैं बनाती हूँ पनीर की भुर्जी अपने स्टाइल में, जैसे मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है वो चावलों के साथ खाना ना, बहुत टेस्टी होती है। तो चलो करते हैं शुरू। मैंने ये नींबू ले लिए हैं दो और दूध को गर्म करके उसके बारे फटाते हैं। चलो गाइस, पता है टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं शाम के, और आज मैंने कहा ना कि मतलब मैं बनाती हूँ और देखो लाइट चली गई, बट मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने कहा यार बनाऊँगी तो मैं ही आज, क्योंकि ये मुझे खानी है, बाकियों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, बट वाइट चने बने हैं जो मुझे पसंद नहीं है, साथ में गोभी है वो तो खा लूँगी मैं, लेकिन ये वाला ना पता नहीं आज मुझे मेरी अंतरात्मा ने कहा कि आज मुझे ये बनानी चाहिए, ये मैं बना रही हूँ। और कल का मॉर्निंग का भी स्लॉट मेरा ही बुक है कि सबको परांठे खाने हैं मेरे हाथ के, तो बस कल बनाए जाएंगे परांठे। और जो जो व्लॉग देख रहा है जिसको खाने हैं वो मुझे बता सकता है, हम बना देंगे। तो बस उधर दूध बना दिया मैंने फटा के, थोड़ा सा नींबू डाला और दूध फट गया, तो बस अभी लगाएंगे तड़का, करेंगे डिनर की तैयारी। शिवन्या खेल रही है अंदर, यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं होती शिवन्या के, उधर पे भी नहीं होती है, उधर भी दादू दादी के पास आराम से बैठती है। कभी कभी जब कभी कभी होता है ना कि अगर इसने तंग करना है फिर तो करना ही है, फिर तो कोई इसको नहीं रोक सकता, तो अदरवाइज बैठ जाती है उधर पे भी। बट इधर तो मतलब मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये वो ठीक है ये, मतलब एक तो सामने ही होती है और दूसरा इतनी मस्त होती है ना, मतलब मुझे भी नहीं बुलाती है वो अच्छे ढंग से, मम्मा जाओ इस तरह से बात करती है। ठीक है भाई, रात को अरू भैया के साथ सोना था उसको, फिर कहती पीहू भैया के साथ सोना है, पर रात जैसी हुई तो मेरे पास आ गई, नहीं मम्मा पास सोना है, बट आज दिन को मासी के पास ही सो गई थी कि मासी ने सुलाया तो सो गई मासी के साथ ही। अब बहुत करती है यार वो, सच में दिल से करती है वो। चलो क्योंकि आपको तड़का लगा के, बहुत गर्मी है, लाइट गई हुई है, पता नहीं कब आएगी, अभी गई है वैसे, 2 मिनट हुआ है, जैसे मैंने प्याज उठाए काटने के लिए तो लाइट चली गई। आपसे ये लोग इतना मच्छरे हुए हैं ना, मेरा पसीना देखना। वैसे बात बताऊं कि लाइट आ गई है और ये लोग इतना मच्छरे हुए ना तीनों एक साथ मिलके, मतलब ये ना किसी का काबू ही नहीं आ रहे हैं। वेट लेट मी शो यू, ना बाहर इन्होंने ना कूलर लगाया हुआ है और ये देखो इनको, ओए यहाँ पे इन्होंने चादर नहीं बिछाई है इस पे, चादर ही तो है इसकी, चादर बिछाई तो थी,
ये तो छोटे बेबीज है। चादरें क्यों उठाई इसकी? चलो खा ले। अरे चादरें अच्छी भली डाली थी, देखो बच्चे इतने शरारती हैं ना, चादरें उठा के फेंक दी और इतनी तबाही मचाई थी ना इन्होंने। हमारे पास ना पहले मेरे ना लोहे का एक कूलर होता था, क्या हवा देता था भाई साहब, इतनी ठंडी हवा ना। आहा, यहाँ पे ना शक्कर वाला नींबू पानी बनाया, आप में से कोई पीता शक्कर वाला नींबू पानी? अगर कोई पीता तो बताना जरूर, शक्कर वाला नींबू पानी। तो गाइस अभी ना हम लोग सारे बैठे हैं बाहर, मतलब हवा अच्छी चल रही थी पहले, अभी तो नहीं चल रही है। हम लोग सारे बाहर बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं और अंदर जाने का ना किसी का मन ही नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है वैसे, और हमने यहाँ पे कूलर भी लगाया हुआ है और पहले लाइट गई थी तो अभी लाइट आ गई है, तो अंदर एसी वेसी ऑन करा हुआ है ताकि रूम ठंडा हो जाए फिर आप लोग जाएंगे। और यहाँ पे आप मेरा कैमरा मैन देखना चाहोगे, मेरा लाइट वो आने में बाहर लाइट कम आ रही है, उसके बेचारी ने अपने फोन की टॉर्च ऑन कर ली, देखो कितनी मतलब कोऑपरेट करती है सिस्टर, है ना, सिस्टर की जगह कोई नहीं ले सकता। सो बस अभी जाते हैं। तो भाई ये था आज का ब्लॉग, पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोहोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, कीप इन टच। और हाँ, जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। लव यू ऑल, गुड नाइट। बंद कर दे पहले लाइट।